नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रूपा सिंह। अगली खबर सीहोर से है, जहां एक ओर पूरे मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के बीच चेक डैम में 19 मजदूर काम कर रहे थे। हकीकत में नहीं बल्कि कागजों पर काम लाखों रुपए निकले। अधिकारियों की मिली भगत से मनरेगा में बड़ा खेल गरीबों के हक पार पंचायत कर्मियों का डाका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह क्षेत्र बुधनी में बीते सप्ताह भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में भी चेक डैम बनाने का काम मनरेगा के तहत कागजों में जारी रहा। यह मनरेगा के मस्टर में 19 मजदूरों को काम करने हुए बताया गया। यहां पूरे प्रदेश सहित जिले में चारों ओर तेज बारिश से बाढ़ के हालात थे। नदी नाले उफान पर थे। ग्राम पंचायत के सचिव व रोजगार सहायक मनरेगा में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। यही नहीं, उक्त नाले पर बीते एक माह से अधिक समय से 19 मजदूरों को कागजों में चेक डैम का निर्माण दिखाया जा रहा है। सचिव और रोजगार सहायक अपने चहेतों के जॉब कार्ड लगाकर मास्टर के नाले पर चेक डैम का निर्माण बताया जा रहा है। मामला सीहोर जिले की जनपद पंचायत नसरुल्लागंज के ग्राम पंचायत बजराओं का है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा किसानों के खेतों की नदी नालों से पानी रोककर संचित करने के लिए जिले की हर ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत चेक डैम निर्माण के लिए सरकार ने पैसे दिए। मजे की बात तो यह है कि ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा आचार संहिता में बारिश के पहले मई माह में ही ग्राम पंचायत बाज गांव के बरखेड़ी गांव में किसान नर्मदा प्रसाद के खेत के पास नाले पर चेक डैम बनवा दिया। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत कर्मियों ने पंचायत का कार्यकाल बदला जाने के बाद भी अपनी कार्यशैली नहीं बदली और नवनियुक्त सरपंच को पता भी नहीं चलने दे रहे और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित देश के गरीबों के लिए चलाई जा रही मनरेगा योजना में जाम कर पतीला लगाया जा रहा है और मजदूरी के नाम पर अपने चहेतों के खातों में पैसे डालकर सरकारी खजानों को लूटा जा रहा है। गौरतलब है कि सीहोर जिले में 24 जुलाई से लगातार बारिश एवं नदी नाले उफान सहित कई गांवों में पानी घुसा रहा। सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने 24, 25 और 26 अगस्त को जिले में रेड अलर्ट, 22, 23 और 24 अगस्त को जिले में बाढ़ का पानी बढ़ने के कारण गांव से शहरों का संपर्क टूटने के कारण हाई अलर्ट जारी किया। खुद सीहोर कलेक्टर नर्मदा नदी सहित कई गांवों में पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, पर उस समय ग्राम पंचायत बाजार गांव में बरखेड़ी में नर्मदा के खेत के पास नाले पर लगातार 19 मजदूर काम कर रहे थे। यह कागजों और पंचायत सचिवों द्वारा मनरेगा योजना में मास्टर में हाजिरी चढ़ाकर 19 लोगों के खाते में हफ्ते के 6 दिन में 1224 रुपए डालकर सरकार के खजाने से योजना का संचालन करने वाले ही लूटपाट कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बजगांव नव नियुक्त सरपंच सतीश चौहान का कहना है कि मुझे 7 अगस्त 2022 को ग्राम पंचायत का चार्ज मिला। मेरे दोबारा चार्ज लेते समय दोनों सचिवों ने बोला था कि अभी तक जो हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप जो भी करो मेरे से पूछ कर करना। लेकिन पंचायत सचिव चैन सिंह एवं सहायक सचिव राहुल ने मुझसे पूछा नहीं और मजदूर गारंटी के पैसे अपने लोगों के खाते में डालकर निकाल रहे हैं। मुझे जैसे ही पता चला कि पूरे जिले में बाढ़ से नदी नाले उफान पर हैं, मैं ग्रामीणों के साथ आया और कोई काम नहीं चल रहा था। ऑनलाइन फर्जी मजदूरी चढ़ाकर पैसे निकाले जा रहे हैं। नर्मदा के खेत के पास 2 महीने पहले चेक डैम बन गया और परिसीमन में बजगांव से हटाकर अलग पंचायत हो गई बरखेड़ी पिपलिया। उसके बाद भी मेरे पंचायत के सचिवों द्वारा दूसरे गांव के नाले पर चेक डैम बनाने के नाम पर फर्जी मजदूर चलाकर सरकारी खजानों को लूटा जा रहा है। मैं उसकी उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत करूंगा। बही नाले के पास खेत वाले ग्रामीणों का कहना है कि यह 3 महीने से काम बंद है और नाले तक जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। पंचायत कर्मियों द्वारा मजदूर गारंटी का पैसा निकाल कर अपनी जेब भर रहे हैं।
सतीश चौहान, ग्राम पंचायत बचगांव से मैं नवनिर्वाचित सरपंच हूँ। हाँ सरपंच साहब, ये बताइए, आपके यहाँ की एक शिकायत आ रही है कि एक चेक डैम बन रहा है बरखेड़ी में, नर्मदा प्रसाद के खेत के वहाँ, तो उसको आप देखने हैं, क्या मामला है पूरा? मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे मजदूर रोज़ 19 मजदूर चढ़ रहे हैं और 2 महीने से लगातार चढ़ रहे हैं, जबकि हमारी पंचायत अगल हो गई है, इसके बावजूद भी यहाँ पे काम चल रहा है। जबकि बाढ़ में शासन प्रशासन का नेम था कि बाढ़ में कोई काम नहीं, उसके बाद भी बाढ़ वाली भी यहाँ पे प्रेजेंट लग रही है, काम चल रहा है, और हमारी पंचायत अगल हो गई उसके बावजूद भी यहाँ पे काम चल रहा है। मतलब ये है कि आपके सहायक सचिव और सचिव मिलकर ये भ्रष्टाचार कर रहा है? बिल्कुल, मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें अवगत करा दिया था कि 7-8 को जैसे ही मेरा चार्ज हुआ था, मैंने बोला था उससे प्रत्यक्ष रूप से कि आप कृपा करके कोई भी मस्टर रोल न चलाना, कोई मजदूरी की हाजिरी मत भरना और मनरेगा का पैसा आप मत निकालना। कुछ लोगों को कहना है कि इसमें सहायक सेक्रेटरी के परिवार के लोग भी कागजों में मजदूरी कर रहे हैं। हाँ कहना है, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो जाँच होगी उनकी कौन कौन काम कर। आज कितने अगस्त है? आज 29 अगस्त है आज। और आप आज निरीक्षण कर रहे हैं ना? आज निरीक्षण कर रहा हूँ, कुछ पीपलिया के मित्रगणों के साथ आके बरखेड़ी के जो थे उनसे पूछा यहाँ पे काम चढ़ रहा चढ़ रहा, उन्होंने कहा नहीं कोई काम नहीं चढ़ रहा 2 महीने से। जैसे ही लोगों ने आज शिकायत करी थी मेरे को कि आपके गांव के मजदूर यहाँ चढ़ रहे हैं और आपकी पंचायत द्वारा काम चढ़ रहा है बरखेड़ी में नर्मदा प्रसाद के खेत में चेक डैम पर, तो मैंने उचित निरीक्षण करने के लिए मैंने पहले तो ऐप देखा मनरेगा का, उसमें दिखाया कि 19 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रतिदिन पूरे बारिश भर से काम कर रहे हैं वो, देखा तो आके यहाँ पे देखा तो कुछ भी नहीं, कोई मजदूर नहीं है और तो, ना कोई काम चल रहा है यहाँ पे। तो सरपंच साहब, वैसे कहने का मतलब ये कि आप जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायत की फाड़ी बागडोर आपके हाथ में है, तो अगर जैसे शिकायत होती है तो लोग आपको बदनाम करेंगे, तो आज खुद आपने निरीक्षण किया, अब आप क्या करोगे? मैं पंचायत सीओ को लेटर लिखूंगा, जनपद पंचायत सीओर को भी लिखूंगा कि मतलब जो लोग सहायक सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ने जो कृत्य किया है, शासन का पैसा लूटा, उन पर कार्रवाई हो। बिल्कुल उचित कार्रवाई हो उन पर, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, कागजातों पे काम चल रहा है पैसे खाने के लिए। खेत के पास बना हुआ है। कौन से गाँव में बना? बरखेड़ी। तो ये कब का बना है? ये तो गर्मी का बना हुआ सर। कितने दिन हो गए होंगे? लगभग करीबन 2 महीना। तो ये बताइए, इस पे 2 महीने से काम बंद है, तो अभी आपने मजदूरों को देखा इस पे काम करते हो? नहीं सर, अभी तो कुछ भी ना मजदूर आए ना कुछ आए, बस ऐसे ही जो गर्मी का बना है वही है। मतलब गर्मी में ही बन गया ना जी, इस तब से कोई मजदूर काम नहीं कर रहा। इसके बाद में तो कुछ भी नहीं आए, हम तो प्रतिदिन आते हैं ना कि जाए खेत हमारा। जैसे अभी आज 29 तारीख है जी, आज भी मास्टर रोल में दर्शाया जा रहा है कि इस पे 19-20 मजदूर काम कर रहा है, तो आप क्या मानते हैं उसको? नहीं सर, अभी तो कुछ डैम पे मजदूर ही नहीं है, तो दर्शाएंगे आप बे पंचायत कुछ भी कर सके अब ऐसा है वो। तो ये बचगांव पंचायत के तहत बन रहा है जी, तो इसमें आप मानते हो कि पंचायत के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? वो तो क्लियर दिख रहा है ना सर, भ्रष्टाचार तो चल रहा है वो। मतलब कागज पे मनरेगा के तहत मजदूर चल रहा है? कागज पे चल रहे हैं पर नहा के कहाँ चल रहे हैं जी। मतलब ये कि जो प्रधानमंत्री महात्मा गांधी रोजगार गारंटी है जी, उसका जो पैसा है जी, जो सरपंच सचिव सेक्रेटरी जो भी है जी, सिर्फ कागजों पे निकाल रहा है? कागजों पे निकालेंगे ना, तो कुछ भी काम नहीं, और जो गर्मी में किया था वही काम है खाली, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और अभी 1.5 महीने से लगातार नसलन क्षेत्र में बाढ़ आ रही है जी, 3-3, 4-4 दिन, उसमें भी मजदूरों को दर्शाया गया है, क्या आप मानते हैं कि इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है? वो तो भ्रष्टाचार तो हुआ सर, अब देख ही रहे हैं आप, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो बरखड़ी में ये नर्मदा खेत के पास का स्टाफ डैम है ना जी? ठीक, मैं डैम के पास खड़ा। कौन सा चेक डैम है? ये नर्मदा प्रसाद के खेत के पास बना हुआ है। कौन से गाँव में? बरखेड़ी। ये बताइए, इस पर काम कब से चल रहा है और कब पूरा हुआ? 2 महीने पहले पूर्ण हो चुका था डैम, अभी तक कोई काम नहीं चल रहा जब से। लेकिन इसमें मनरेगा के तहत रोस्टर चढ़ाए जा रहे हैं, अभी तक मजदूर चल रहा है? नहीं, 2 महीने पहले से हैं, एक दिन भी मजदूर नहीं आए। मतलब ये जो मजदूर चल रहा है वो सारे फर्जी है? सारे फर्जी है। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर, एक दिन में मजदूरी है, 2 दिन जून माह में कंप्लीट होगा था ये। मतलब आज 29 तारीख है, 29 अगस्त, आज भी मजदूरों के रोस्टर भरे गए? नहीं, 2 महीने पहले कंप्लीट होगा था, अभी तक एक भी मजदूर नहीं आया। हाँ तो मतलब आज आप निरीक्षण करना है तो आपको नहीं मिला ना मजदूर? एक भी मजदूर नहीं है ना। मैं एक नर्मदा के खेत के पास नाले पर चेक डैम बनाया जा रहा है, 20-20 मजदूर चला जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो चेक डैम तो पहले ही बन के तैयार था, और ये
मुख्यमंत्री के जी के क्षेत्र में इतना भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको ध्यान देके इसकी सघन जांच कराना चाहिए। जब मुख्यमंत्री कलेक्टर साहब द्वारा 22, 23, 24 इन तारीखों में रेड अलर्ट करके स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी, सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी थी, उसके बाद भी वहाँ मजदूर चलाए, तो ऐसे भारी बारिश में चेक डैम पे कहाँ के मजदूर चलेंगे? वो सब फर्जी काम हुआ और उसकी सघन जांच होना चाहिए। डैम का कार्य निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें 20-20 मजदूर अभी तक चल रहा है, क्या कहेंगे सर? मामला अभी आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में आया है, और अगर ऐसा है तो इसकी जांच करा के जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई। जबकि सरपंच द्वारा परिसीमांकन हो गया है उस पंचायत का, फिर भी दूसरी मतलब दो पंचायतें हो गई अलग अलग, फिर भी दूसरी पंचायत के मजदूर बुला के वहाँ चलाए जा रहे हैं सर, इसलिए मामला बड़ा गंभीर सा दिखाई दे रहा है। और पंचायत जरूर अभी परिसीमन के दौरान अलग हो गई है, लेकिन नरेगा पोर्टल पे और बाकी जो पोर्टल हैं उन पे अभी भी पंचायत जो है वो अलग मैप नहीं हुई है, तो अभी जो भी ऑनलाइन काम है वो दोनों पंचायतों का एक ही पोर्टल से हो रहा है जी। लेकिन सर ये जो जहाँ चेक डैम निर्माण हुआ वो मई में पूर्ण होगा ग्रामीणों का कहना, और अब मतलब जाने का रास्ता भी नहीं है वहाँ तक, इसके बाद भी आप बताइए कि बाढ़ वाले दिन 20 मजदूर डेली कैसे जा सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसकी जाँच करा लूँगा, और अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ठीक है।